क्या संदेश देना चाहेंगे आप नगरवासियों? सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, महागौरी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, सुख शांति समृद्धि का वरदान माँ का सबको प्राप्त हो, सबके घर में खुशियाँ हों, यही माँ से प्रार्थना करता हूँ। दशहरे की भी जो शुभकामनाएं और 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 दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो सच है वो स्थापित होता रहे, बुराई का असत्य का सब अंत हो, भ्रष्टाचार का अंत हो, जहाँ कहीं भी समाज में गंदगी है वो सब समाप्त हो, और जो अच्छाई हो वह स्थापित होती रहे, और सबका कदम इसी दिशा में आगे साथ में बढ़े, यही मैं अपील करना चाहता हूँ। और दशहरे की और दुर्गा पूजा की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। दशहरा से पहले जगह जगह रामलीला का आयोजन हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जो हमारे श्री राम है, मदराज और पुरुषोत्तम श्री राम, उनके चरित्र से आप कितना प्रभावित हैं? नहीं देखिए, अब उनके प्रति तो आस्था, मैं समझता हूँ कि अनंत काल से लोगों की भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति आस्था है, और इंसान कैसा हो वह भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से ही सीख वो मिलती है, हर रिश्तों को कैसे निभाना है वह श्री राम जी के जीवन से वह सीख मिलती है। और ये रामलीला का और इस तरीके से जो धार्मिक आयोजन जो होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश को और हमारे जो समाज हैं और विभिन्न अलग अलग संस्कृतियों से निकल कर अलग अलग परंपराओं को निभाते हुए भी जो सब लोग एक हैं, वो मैं समझता हूँ उसके पीछे हमारे देश की यही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत जो है वो हमको बांध के रखती है। तो ऐसे आयोजन पूरे शहर में, देश में, समाज में एक वाइब्रेंस भी जो रहता है वो उन्हीं कारण रहता है, उसी के कारण रहता है। बहुत धन्यवाद।